गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस क्लास 9th सब्जेक्ट बायोलॉजी एंड योर चैप्टर इज चैप्टर नंबर 4 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। स्टूडेंट्स, अगर बात करें डाइवर्सिटी इन एनिमल्स की, यानी कि बायोडाइवर्सिटी की, उससे पहले समझते हैं यानी कि इस वर्ल्ड में आप देखते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स पाए जाते हैं, चाहे वो आपके एनिमल हैं या प्लांट्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और अपने आप में क्या है, अनोखा है, स्पेशल है, चाहे वो हाउस फ्लाई है, हॉर्स है, अपने आप में स्पेशल है, ऑस्ट्रिच अपने आप में स्पेशल है, मैन यानी हम ह्यूमन अपने आप में स्पेशल है, और एलिफेंट अपने आप में स्पेशल है। अभी जो एग्जाम्पल दिए मैंने, जैसे हाउस फ्लाई, अगर साइज देखे कितना स्मॉल होता है, हॉर्स स्ट्रक्चर देखिए, बॉडी स्ट्रक्चर, उसकी मेरिट यानी कि उसकी जो क्वालिटी होती है रनिंग, ऑस्ट्रिच बिगेस्ट बर्ड्स, ह्यूमन ब्रिलियंट माइंड, एलिफेंट बिगेस्ट बॉडी, जो टेरिस्ट्रियल एनिमल होते हैं, जो टेरिस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनमें क्या होती है, बिगेस्ट बॉडी होती है, और जबकि सबकी बात करें तो सब में सबसे बिगेस्ट कौन सा होता है, ब्लू हेल, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था यानी कि अपने आप में क्या अनोखा है, हमारे आसपास देखेंगे एनिमल्स प्लांट्स देखने को मिलते हैं। अब आप देखेंगे प्लांट्स आपके फॉरेस्ट में देखेंगे आप, जहाँ पर सी वगैरह होती हैं, ओशन वगैरह होते हैं, उसके आसपास तटों पर देखेंगे, हिल्स पर देखेंगे, डिजर्ट में देखेंगे, वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको एनिमल्स और प्लांट्स देखने मिल जाएंगे। तो इस पूरे संसार में, इस वर्ल्ड में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इन डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के पाए जाने के कारण ही क्या होती है, डाइवर्सिटी पॉसिबल हुई है, विविधताएं आती हैं, बायोडाइवर्सिटी आती है। अब तक अगर बात करें तो ऐसी स्पीसीज यानी मोर देन 1.7 मिलियन स्पीसीज आइडेंटिफाई कर ली गई हैं अब तक, बल्कि मोर देन, इससे भी ज़्यादा, और एवरी ईयर 50,000 न्यू स्पीसीज एवरी ईयर आइडेंटिफाई की जाती हैं। ये डाटा अलग अलग हो सकता है, आपके बुक अलग अलग बुक्स में, नेट्स पर। तो ये विविधताएं जो आई, जो डाइवर्सिटी आई, बायोडाइवर्सिटी आई, इसमें क्या लगे, बहुत समय लगा, करोड़ों वर्ष लगे, उसका परिणाम है, उसका रिजल्ट है ये, जो इतनी विभिन्नताएं देखने को मिलती है, बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती हैं। अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले अगर बायोडाइवर्सिटी देखने मिलेगी, जहाँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स प्लांट्स देखने मिलेंगे, तो आपको हिमालयन, जो हिमालय है, वहाँ पर देखने मिलेंगे। और वर्ल्ड की बात करें तो ब्राज़ील में देखने मिलती है बायोडाइवर्सिटी। अंडरस्टैंड? तो अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अबाउट 5 to 30 million स्पीसीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये मानते हैं लगभग इतनी है, हो सकती हैं, जबकि हुई कितनी है, आइडेंटिफाई मोर देन 1.7 million ओनली। अगर बात करें सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म, वो क्या है, इंसेक्ट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट ग्रुप 0.75 million स्पीसीज। अगर बायोडाइवर्सिटी, रिच बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर होती है, जहाँ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट करते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सपोर्ट द रिच बायोडाइवर्सिटी। इन इंडिया की बात करें तो स्टैंड द वेस्टर्न घाट, द हिमालयस, इंडो बर्मा रीजन जो होता है वहाँ पर, निकोबार जो होता है, तो 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है इन द वर्ल्ड, पूरे संसार में
और ये कवर करे हुए हैं 2.3% ऑफ द अर्थ लैंड सरफेस, 23% कवर करे हुए हैं एरिया डेट का। तो आपको हिमालयाज में, आपको वेस्टर्न घाट में बायोडायवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको प्लांट्स एनिमल्स देखने को मिलेंगे। हम देखते हैं एवरी डे वी सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स मींस फ्लोरा एंड एनिमल्स फौना अराउंड अस। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज द ऑकरेंस ऑफ डाइवर्स और वैराइड फॉर्म्स ऑफ लिविंग बींग विच डिफर फ्रॉम वन अनदर। अंडरस्टैंड, अगर बायोडाइवर्स की कंट्रीज की बात करें इन द वर्ल्ड, तो आपका ब्राज़ील है सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी, चाइना है, पेरू है, मैक्सिको है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये आपको देखने मिलेंगी बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा। अगर इंडिया की बात करें तो कौन है आपका, हिमालयस, वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन्स। ओके स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से यानी कि आप देखेंगे कि ये कुछ ऑर्गेनिज्म में कहते हैं यूनिक होते हैं, कुछ अलग होते हैं, कुछ फॉरेस्ट में, कुछ माउंटेन पर, कुछ डिजर्ट में पाए जाते हैं, कुछ लार्ज होते हैं, कुछ स्मॉल होते हैं। अब इनकी स्टडी करने के लिए इनको डिवाइड कराया गया ग्रुप में, सब ग्रुप में, क्योंकि इनको इनकी स्टडी, इतने लार्ज नंबर हैं ऑर्गेनिज्म कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है इनको स्टडी करना। तो टू सेलेक्ट एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अननोन करेक्टर्स फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो दिस शुड बी क्लासिफाइड, डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स, अरेंजिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन डेफिनेट प्लान मेक्स द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ईजी। सो क्लासिफिकेशन और सिस्टमेटिक्स इज ऑड एज द पावर ऑफ स्पीच। इट इज पॉसिबल दैट मैन स्टार्टेड गिविंग नेम्स टू प्लांट्स एंड एनिमल एज सून एज पावर ऑफ स्पीच वॉज एक्वायर्ड। क्लासिफिकेशन सिस्टमेटिक्स, यानी सिस्टमेटिक्स इज द साइंस ऑफ स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी एंड अरेंजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म अंडर अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड, तो सिस्टमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। अंडरस्टैंड, अब इसे जिस ब्रांच के अंतर्गत रखते हैं वो क्या कहलाती है, हमारी टैक्सोनॉमी। क्या कहलाती है, टैक्सोनॉमी, टैक्सोन प्लस नोमोन। किसने दिया था, एपी कैंडलर ने दिया था। ओके स्टूडेंट्स, अब नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, हमने बताया कि क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, क्या आवश्यकता हुई, क्या जरूरत हुई। तो हमें पता है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, यानी एम्स क्या है इसका, तो जब मिलियंस में कोई स्पीसीज होती हैं तो स्टडी करना बहुत टिपिकल होता है, और अलग अलग प्लेसेस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम अलग अलग नेम से जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हर जगह अलग नेम बोला जाता है, तो इसलिए नीट पड़ी। तो इसके कई रीज़न हैं, प्लेसेस में एक जैसे दिखने, कुछ ऐसे होते हैं कि करेक्टर उनके सेम होते हैं, या कुछ ही सिमिलरिटीज़ उसमें, आपस में कुछ सिमिलरिटीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प्स करता है किसमें, अब जो हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज ऑर्गेनिज्म। तो साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी, ठीक है। यानी साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या कहलाती है, इज नोन एज टैक्सोनॉमी। और जिसको किसने दिया था, आपका एपी कैंडल ने दिया था। टैक्सोनॉमी का मतलब टैक्सोन प्लस नोमोन्स।
अब टैक्सोनॉमी किसके है? अगर कहें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कौन थे? कैरोलस लीनियस। या फादर ऑफ क्लासिफिकेशन? कैरोलस लीनियस। ठीक, सबसे पहले जो इसको क्लासिफाइड करा था तो वो करा था किसने? ग्रीक साइंटिस्ट थे, थिंकर थे, एरिस्टोटल, हु इज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ जूलॉजी, जिन्हें बोलते हैं फादर ऑफ बायोलॉजी। तो क्लासिफाइड एनिमल इंटू टू ग्रुप्स, उन्होंने एनिमल को टू ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था, ऐसे प्लांट्स को एनिमल दैट कैन फ्लाई और एनिमल अनेबल टू फ्लाई। इसी प्रकार प्लांट्स को डिवाइड कर दिया गया था ट्रीज, हर्ब एंड शर्म। तो ये क्लासिफिकेशन था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।